वेलोसिटी ऑफ आयन, मैं ये वाले पार्ट को थोड़ा ब्लॉक में रख के मैं मिटाऊंगा नहीं, ताकि मैं एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को जब समझाऊं तो वो अच्छे से समझा पाऊं. सो वेलोसिटी ऑफ आयन्स डज नॉट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली इन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो वेरी ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं जो अरिनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन ने क्या बोला, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको इजीली एक्सप्लेन भी कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरी इंटरेस्टिंग. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां तक समझ लें, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ आयन्स का, अरिनियस ने यह कंसेप्ट को कंसीडर ही नहीं किया था. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, दे ऑलवेज आयनाइज कंप्लीटली, ऑलवेज डिसोसिएट इनटू देयर आयन्स कंप्लीटली एट एनी कंसंट्रेशन. किसी भी कंसंट्रेशन पे वो अपने आयन्स पे कंप्लीटली टूटते हैं. ऐसा नहीं है कि तुमने थोड़ा सा पानी डाला नमक में तो वो पूरा आयन्स में टूटा हुआ है. जो चीज पहले से ही पूरी आयन्स में टूटी हुई है तो क्या होगा, ऑन एवरी डाइल्यूशन दे गेट आयनाइज, दे डू नॉट गेट आयनाइज, क्योंकि वो तो जितने आयन्स होने थे वो तो पहले से ही आयन्स बन चुके हैं, इसलिए दे नंबर ऑफ आयन्स डू नॉट इंक्रीजेस. सो मैं यहां लिखता हूं, सो नंबर ऑफ आयन्स डू नॉट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन. नंबर ऑफ आयन्स नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए क्या, तो नहीं बढ़ने चाहिए. तो क्या होना चाहिए, सो द कंडक्टेंस शुड नॉट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन. ये तो डाइल्यूशन के साथ बढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि आयन्स नहीं बढ़ रहे हैं, आयन्स नहीं बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी. तो ये तो किसका कॉन्ट्रेरी है, इट इज कॉन्ट्रेरी टू स्टेटमेंट ऑफ अरहीनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन. दिस इज व्हाट दिस थ्योरी, अरहीनियस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन. समझ में आया क्या नहीं आया, ऑस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती कि उसका से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला वो कांस्टेंट नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आना चाहिए कांस्टेंट, बोलता ऑस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ. फिर बोला कि अरहीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग के आप डाइल्यूट करो वो कंडक्टेंस बढ़ेगा, सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए. तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाएगा, so to explain this conductance behavior of strong electrolytes on dilution Debye and Huckel proposed a theory in 1923 and later modified by Onsager or sometimes Onsager in 1926-27. So this theory is known as
theory is known as DHO theory. इसको DHO theory बोलते हैं. समझ में आई बात? हम DHO theory क्यों पढ़ेंगे? DHO थ्योरी पढ़ेंगे बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करने हैं, दो लिमिटेशंस. डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. दूसरा के भाई कंडक्टेंस बढ़ा कैसे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जबकि आयंस तो बढ़े ही नहीं. तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए DHO ने कहा. मैं एक बार बेसिक आइडिया भी बता दूं ताकि कभी भी फ्यूचर में आपको ये पढ़ते हुए. अच्छा, एक और चीज़ है, मैं जिस हिसाब से आपको बताऊंगा ये आपको बोर्ड में लिखने में आसान होगी, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में लिखने में आसानी आएगी, इसलिए आप लोगों को मैं इसी वे में एक्सप्लेन करूंगा. मैंने बोला था जैसा मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, कुछ लाइन मिट गई है बट कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ये इंट्रैक्शंस का एक टर्म यहाँ पर लिखी है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ अभी. अब मैं वो एक्सप्लेन करूँगा. ओके, so now let us continue. Okay, Debye Huckel on basic idea, you can write basic idea of DHO theory. What is the basic idea? Okay, there exist some interionic interactions. There exist some interionic interactions between the ions at high concentration. जब concentration ions की ज़्यादा होगी तो कुछ interionic interactions ज़्यादा होंगे, कुछ interionic interactions develop होंगे. ये है basic idea. और इसी को उन्होंने क्वालिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया और क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन किया, जो कि मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हार्डली 10 टू 15 मिनट्स में मैं ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों को. ओके, तो DHO थ्योरी इज बेस्ड ऑन थ्री पोस्टुलेट्स. तीन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है. Three postulates. First one is, pehla hai ke the strong electrolytes do not exist in molecular form even in their molten state. जब आपने उसमें सॉल्वेंट नहीं डाला है उसको तो छोड़ दो, सॉल्वेंट के बाद तो आयंस में टूटेगी. बट जब अगर आपने उसमें सॉल्वेंट नहीं डाला है तो भी वो आयंस में एग्जिस्ट करता, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं है. ठीक है, फ्रॉम एक्स आर डी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज इट इज क्लियर दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स exist in their ions at very low concentration as well as in their crystalline form. Okay, you can understand it by taking an example. For example, like NaCl, ये जब इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे तो भी ये आयंस में टूटेगा. और ये सॉलिड स्टेट में भी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सॉलिड स्टेट में. इट इज नॉट इन मोलिकुलर फॉर्म, इट इज इन आयनिक फॉर्म. और ये अगर मैं सॉल्वेंट में डाल दूं तो ये कंप्लीटली आयंस में टूटा हुआ है, अपने आयंस में टूट चुका है. इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस देयर इज नो इक्विलिब्रियम
It means there is no equilibrium existing between undissociated molecule and ions. Molecule और ions के बीच में क्या नहीं है, equilibrium होगा ही नहीं. Like NaCl लिया आपने, थोड़ा सा solvent डाला तो किसमें टूट गया, पूरा का पूरा sodium ion chloride ion में. तो there is no existing equilibrium. तो so KD dissociation constant calculated by Ostwald's dilution law is not applicable here. आप applicable for strong electrolytes. तो पहला question का answer आप लोगों को hopefully मिल गया होगा कि ये यहाँ applicable ही नहीं है strong electrolytes में, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा ionize हो चुका है, वो पूरा का पूरा dissociate हो चुका है अपने ions में. मैं dissociation और ionization में difference आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूँ, तो अब दोबारा उसको नहीं बता रहा हूँ. Okay, this is the first postulate. Second postulate is